उदाहरण 16। दी गई आकृति में ओपी बराबर 13 सेंटीमीटर तथा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। बिंदु पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पीटी तथा पीएस की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल। त्रिभुज ओ पी टी में कोण ओ टी पी बराबर 90 अंश, समकोण त्रिभुज ओ पी टी में ओ पी का वर्ग बराबर ओ टी का वर्ग धन पी टी का वर्ग। यहाँ पे हमने पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पे ओ पी जो है हमारा कर्ण का वर्ग बराबर ओ टी आधार का वर्ग और पी टी लंब का वर्ग, यहाँ पे हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया है। या ओ पी का मान जो है वह 13 सेंटीमीटर है, 13 की घात 2 बराबर ओ टी जो है त्रिज्या वृत्त की जो 5 सेंटीमीटर है, 5 की घात 2 धन पी टी की घात 2। या पी टी की घात 2 बराबर 5 की घात 2 का पक्षांतर करेंगे 13 की घात 2 ऋण 5 की घात 2। या पी टी की घात 2 बराबर 13 की घात 2 13 × 13 169 ऋण 5 की घात 2 5 × 5 25। या पी टी की घात 2 बराबर 144। या पी टी बराबर वर्गमूल 144, वर्ग को का पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल 144 बराबर 12 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने पी टी की लंबाई ज्ञात की। हम जानते हैं कि पी एस बराबर पी टी है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इसीलिए पी एस बराबर पी टी। अतः पी एस बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि पी टी का मान जो है 12 सेंटीमीटर हमने ज्ञात किया है, तो पी एस का मान 12 सेंटीमीटर। अतः स्पर्श रेखा पी टी बराबर पी एस बराबर 12 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने पी एस का मान 12 सेंटीमीटर ज्ञात किया। यह इस उदाहरण का हल होगा।